भी खैरियत से होंगे जी। तो निकल रहे हैं जी आज हम साहिबाल से लाहौर शालमी मार्केट। मलिक साहब कौन कौन सी मार्केट में जाना है हमने? मलिक साहब कौन कौन सी मार्केट जा रहे हैं? शालमी जा रहे हैं जी जी, उसके बाद रावी रोड जाएंगे ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे मजंग, मजंग ठीक है जी, उसके बाद हमने जाना है एक और मार्केट है स्टेशन के पास, स्टेशन के पास ठीक है। तो बाकी उधर जाके प्लान होगा, कोई नया भी कोई ऐड होता है तो। ओके जी ओके, साथ में हमजा भाई है जी, साहिबाल जोगी चौक वाला पुल जी है, बहुत जनाब हमारा नया जो पुल है वो आपके साथ दिखाता हूँ, ये देखें। तो आज प्लान बना है जी लाहौर का, बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ, ये देखें बर लबे नहर परास्ता कादराबाद परास्ता उगाड़ा हम पहुंचेंगे लाहौर में। तो वहाँ जाकर जो मलिक साहब ने आपको मार्केट से कहीं विजिट करवाते हैं, कैसे कैसे सामान हमने परचेज करना है, फिर आपके साथ सारा कुछ शेयर करते हैं जी सर। लीजिए तो मलिक साहब मुझे कह रहे थे जनाब रास्ते में कहीं रुकना है, सबसे पहले चाय इंजॉय करेंगे, तो जाते जाते इसके बाद कोई और प्लान करेंगे। सो चाय का जो प्लान था वो हमारा बना, लेकिन पूरा होता है या नहीं ये मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। सो पहुँचे हम लाहौर में जनाब बर लबे नहर, नहर के साथ साथ बिल्कुल, लेकिन क्या ही देखते हैं कि लाहौर में इंटर होते ही लाहौर का मौसम क्या बात, शानदार किस्म का, बहुत ही प्यारा और क्यूट क्यूट किस्म का मौसम था। सो मौसम को इंजॉय करते करते हम आगे अपने सफ़र की तरफ गामजान थे, बढ़ रहे थे। सो हम इंटर हुए जी अंडरपास, अंडरपास एक इंटर होना था, तो ये था जी वारस मीर अंडरपास, लाइटिंग का अच्छा काफ़ी व्यू था, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है पर लाहौर लाहौर है। सो हम अपने सफ़र की तरफ साथ में जो कुछ शालमी में हमने विज़िट करना था वो भी आपको साथ में आगे चलकर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर क्या क्या हमने करना था। सो गुजर रहे थे हम दाता दरबार के पास से, सो हमने बस गुजरना था दाता दरबार से और यू टर्न लेना था शालमी की तरफ, तो यहाँ पर ये आगे हम दाता दरबार के पास से गुजर रहे थे। तो सो देखते हैं दाता दरबार के बाहर काफ़ी ज़ायरीन का रश व कतार नज़र आ रहा था। पिछले ब्लॉग में मैं अंदर तक विज़िट करवाया था आपको, अंग्रेजों का मुर्शिद, अंग्रेजों का मुर्शिद दिखाते हैं आपको, ये देखें ये देखें, वाह वाह वाह, ये अंग्रेजों का मुर्शिद है जी भाई, ये देखें ज़ायरीन का रश, ये ढोला ले फट गया, ढोल हो जाते हैं की जैसा सो पहुंचे हम शालमी के पास, तो हमने अपनी गाड़ी लगाई पार्किंग में और कुछ पैदल पैदल चलकर आगे चलना था, हमने आगे चलकर क्या करना था, तो चलते चलते थोड़ा सा बाजार का आपको विजिट करवाना था, साथ में मौसम भी दिखाना था लाहौर में मौसम, अंदरून शहर में मतलब मौसम किस तरह का था। तो अनारकली बाज़ार का साइन इस तरह था, हमने बाड़ा मार्केट अनारकली और शालमी कुछ स्टार्टिंग में विज़िट करना था, टाइम हमारे पास बड़ा ही शॉर्ट शॉर्ट था क्योंकि हम 12 बजे राउंड बोर्ड घर से निकले, तो जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था। सो हमारी मार्केट जो बंद होने में वो भी टाइम आपको पता 9-10 बजे टोटली जो मार्केट है वो अंदरून शहर में बंद कर दी जाती है। सो हम थोड़ा सा पैदल चलने के साथ साथ मैंने कहा भैया थोड़ा सा रिक्शा क्यों ना इन्जॉय करें, और साथ में काफ़ी थोड़ा सा दूर जाना है इसलिए रिक्शा एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रिक्शे का सफ़र बड़े मज़े का है, क्यों भाई बहुत मज़े का सफ़र है ये। रिक्शे का सफ़र लाहौर में करने के साथ साथ मुझे एक चीज़ का बड़ा मज़ा है, जब रिक्शे वाले ने रिक्शा पिछली साइड तो मार के क्या क्यों छेती तोरला भाई, तो ये मुझे ये बात कन्फर्म हुई कि लाहौर ये वाकई रक्षा पिछों मार के कहते हैं जनाब तोरला है अन्ना वन नजर। लाहौर की बड़ा मार्केट में तो यहाँ पर बर्तनों की वसी जो है वो चीज़ें मिलती है लाहौर की बड़ा मार्केट में। हाँ चौधरी क्या खरीदेगा? क्रॉकरी का सामान लेना है मैंने, बहुत सारा। क्या लेना है? रेस्टोरेंट के लिए क्रॉकरी का सामान लेना है बहुत सारा। यहाँ से बहुत सारा सामान परचेज करने वाला है जी, बारिश का ऊपर मंजर आप ऐसा देख सकते हैं, बहुत बारिश है, चले वन बाई वन आपके साथ जो है वो विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बड़ी थी यहाँ।
यहाँ पर जो मुझे डिज़ाइन पसंद आए थे चंद बाबू उसको कह रहे थे एनु की कहते हो भाई जान एनु एनु दसना की कहते हो चांद ही कहते हैं चंद बाबू पहला की क्या चंद बाबा इसको कह रहे भाई जान चंद बाबा लेकिन ये अच्छी है मार्केट में बहुत अच्छी बड़ी मजे की चीज है ये छे छे ब्लैक है दूसरा ब्लैक वाली अब यहाँ से मैं आपको विजिट कराता हूँ कि मार्केट में बहुत ही अच्छी क्रॉकरी जो मुझे पसंद है तो उसमें ये भी था ये सैलड्स के लिए आप सैलड किसी को डाल के देते हैं लेकिन ये एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। चलें सेकंडली आ जाते हैं ये देखें ये था सैलड्स के लिए पोर्शन रशियन सैलड्स और ये कुछ इस तरह की चीज़ें क्रीमी सैलड्स के लिए और ये बारबेक्यू के लिए थोड़ी सी मज़े की चीज़ थी ये वाली भी तो बाकी ये देखें आप इस तरह की बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो थी यहाँ पर मैंने देखी सो मुझे जो पसंद आई उसमें ये थी और ये था पास्ते मज़े की थी ये चीज़ें इसमें भैया जो मुझे पर्सनली पसंद आ रही थी उसमें एक दो चीज़ें थी तो मैं देखने लगा था कि उसमें क्या कह सो उसको भी पसंद करते हैं उसमें ही ये देखते हैं जो डिप डिप जिसे बोलते हैं सॉस के लिए होती है ये डिप यूज़ की जाती है बट ये मज़े की है मतलब इसका अच्छी मुझे लगी है तो जो कुछ और चीज़ें थी वो ये मुझे ग्लासेस वगैरह भी पसंद आ रहे हैं जो सामने बोतल पड़ी वो भी अच्छी थी है मज़े की सो मैं अपने आप में कैसा दिखता हूँ ज़रा पर्सनली भी बनाते हैं कैसा मज़े की मुझे लगती है हालत ख़राब खराब थी बट अच्छा तो चलें देखते हैं ये कुछ सलाही जैसे पीस रही है मज़े के लग रहे थे एक और फ्लावर्स वाली थी इसमें मेरी जो स्टेट में बड़ी मैंने वो देखा पौड़ियाँ ले लो पौड़ियाँ पिए नहीं आप फाइनली हम जा रहे हैं छोटा बिदा बिदा सामान लेकर बाकी सब हमारा आ रहा है ना आ रहा है कार्गो आ रहा है ये कहाँ से निकल रहे हैं अपना शालबी से हाँ शालबी से निकल रहे हैं हम लोग जनाब तो यहाँ से निकलते हुए हम वापसी पे आपको टाइम क्या है 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 11 बज गए यहाँ से निकल रहे हैं क्या सब पूरे राज फोन नहीं खत्म हो यकीन अल्लाह वाह ले जी हम निकल रहे हैं आगे कहाँ जाना है आगे जाना है क्रीम मार्केट क्रीम ब्लॉक चलते हैं जी जे रात वहाँ पे जहाँ पर लगा हुआ चाचा जी आगे ये था 600 किलो है ये क्या है इसको कहते हैं क्या कहते हैं 12 मसाले वाला 12 मसाले वाले पटूरे ये है जी पटूरे वाह क्या इसकी प्रेजेंटेशन है कितने का जी ये वाला है 600 का है लूने ये लूने होंगे वाह तिलों वाले पकौड़े ये जी तिलों वाले पकौड़े क्या बात है यहाँ पर हम देख रहे हैं ले जी हम पहुंचे हैं वापस अपनी गाड़ी में तो मेरे साथ मौजूद थे शेफ साहब थक तो गए हैं वैसे बहुत ज्यादा थक गए है ना बहुत ज्यादा हाँ याद आ गया कि लाहौर दा पावा अख्तर लाबड़ावा अख्तर बड़ावा तो चल के बताते हैं जी हमने क्या क्या किया काफी सामान था परचेज करने वाला लेकिन जनाब बंदूक हो गए
हमजा भाई एसी थोड़ा तेज कर दे। हमजा भाई एसी तेज कर रहो कि असी बाहर निकल के गड्डी चो। फिर हम पहुंचे यहाँ पे रिंग रोड पे, फिलहाल तो जा रहे हैं। नहीं रिंग रोड तो है ही नहीं ये भाई जान। नहीं कौन सा रोड है? अच्छा पीको रोड है, पीको रोड इस साइड पे ना। फ्लैट में हम रुके थे, वहाँ से पैकेजेस मॉल बिल्कुल वो सामने नजर आ रहा है। ये देखें पैकेजेस मॉल का मॉल नज़र आ रहा है। वहाँ पे तो जहाँ पे हमने स्टे किया एक दोस्त के पास, वहाँ पे खाना भी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और चलते चलते हम वहाँ पे रुके थे तो शेफ साहब बहुत तो बिजी थे, बट हम वहाँ पे रुके। सो जहाँ पर वो फ्लैट में थे यहाँ पे रुके हैं जी। अभी यहाँ पे रुक के देखते हैं, थोड़ा सा सुकून मिला यहाँ पे आके मुझे। खैर सर मार्केट से जरा सुकून नहीं मिला, जैसे 4 लाख यहाँ पे बहुत सुकून मिला। बिलीव दैट यहाँ पर बहुत मजा है। अभी हमने आपको लूडो में हराना है। अच्छा यहाँ पर हमारा लूडो का प्रोग्राम है, अभी थोड़ी देर बाद लूडो एंजॉय करते हैं जी। यहाँ पर लूडो खेलेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। शेख साहब वो नहीं पता कहता मैंने छक्का नहीं आया। मलिक साहब वो नहीं कहता मैंने छक्का नहीं आया। हाँ ढाई च ढाई है ना। करेंज वाई शेख साहिब के साथ मलिक साहब बड़ा खूब इंजॉय कर रहे थे, उनके कजन भी थे, उनके फ्रेंड्स भी थे। तो यहाँ पर लगी जी लूडो की बड़ी जबरदस्त गेम। हम कह रहे थे मलिक साहब आज आपने जीतना है, तो मलिक साहब कहते वेल 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 भाईजान जीत कर दिखाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मलिक साहब कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन हमने सही तरह सुनी नहीं है, समझ नहीं आई है ना। बिल्कुल रास्ते में जनाब थके हारे, हमारी ब्रेक कहाँ पे लगी भैया? हमारी ब्रेक लगी स्पीड पे जनाब। हम जा रहे हैं फेस वॉश करने, ग्रो एंड क्लीन। आप इसे यूज करें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंदाजा आपने शेफ साहब को देख के बिल्कुल नहीं लगाना। डबल स्पीड पर यूज करने के लिए अच्छा है ये है जी, डबल स्पीड। आप जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर ब्रेक जरूर लगाएं और इनको इंजॉय करें जनाब। तो खैर हम जा रहे हैं जी, समझ तो गए ही होगे। क्या क्या रह गया? अच्छा अच्छा तो खैर बाकी आपके साथ खैर देन 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 विजिट करते हैं जी। हम रुके थे रास्ते में, थोड़ा सा गला खराब हो रहा था, ये भी एक्टिनेस टेबलेट साथ में बियर पानी, पेट्रोल डलवा रहे हैं और घर की तरफ हम वापसी ले रहे हैं जनाब। और डलवा रहे हैं हम लोग भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के वो पेट्रोल डलवाया जा रहा है। निकलेंगे हम यहाँ से अब घर की तरफ। चले मलिक साहब अच्छा चले साहब चले चले भाई 3 बजे हो गए मैनू लगता पर दिन चढ़ते बिल्कुल सर 5 बज जाने में निकले हैं जी साहिवाल की तरफ। तो रास्ते में अलबास होटल सर स्किप कर दिए। चले ठीक है जी, अब हम राउंड बाउंड घर को ही वापसी ले रहे हैं और साहिवाल में ही जाकर रुकेंगे, लेकिन चाय का प्रोग्राम था वो भी स्किप कर दिया। सो इसी के साथ
आप हमें दीजिए यहाँ तक के ब्लॉग तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग वो भी हमारा लाहौर तक ही है। सो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रास्ते में आए तो आप डबल स्पीड स्मार्ट डबल स्पीड पर ज़रूर रुकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। ये सब पकड़ लीजिए, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, अब हमें नींद भी बहुत आ रही है और रास्ते में घर भी चलना है। सो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।